तो चलिए बढ़ते आगे। जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन रविवार को संपन्न हो गया है, समापन के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात की। उन्होंने कांग्रेस के विजन और आगामी कार्य योजना की जानकारी देते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य 2023 में होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव तो है ही, लेकिन हम 2024 का मिशन फतह करने में जुट चुके हैं। तीन दिवसीय कांग्रेस का महाधिवेशन कल संपन्न हो चुका है, लेकिन पवन खेड़ा ने कई अहम मुद्दों को लेकर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात की और कहा कि हम 2024 का मिशन फतह करने में जुट चुके हैं। यानी साफ तौर पर संदेश दिया गया कि कांग्रेस अब पूरी तरह से 2023 और 2024 के विधानसभा चुनाव में जुट चुकी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मेरे साथ इस वक्त हैं। तीन दिन का जो महाअधिवेशन है वो समाप्त हो गया है और इस महाअधिवेशन के साथ अब नई ऊर्जा और जोश के साथ कांग्रेस पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ जो है जनता के बीच जाने वाली है, तो कांग्रेस क्या मैसेज लेकर जाएगी? कांग्रेस का संदेश भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुआ, प्लेनरी में महाधिवेशन में भी उस पर चर्चा हुई और संदेश स्पष्ट है, हम तैयार हैं इस संघर्ष में, इस लड़ाई में जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है उसके खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जहां जहां भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं वहां वहां देखिए सेंट्रल एजेंसियों के जो है छापे पड़ने शुरू हो जा रहे हैं। संघर्ष का हिस्सा है, जब अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे तब भी यही होता था, तो उससे क्या हुआ? उससे कोई फ़र्क नहीं, उससे आपको लगता है फ़र्क पड़ता है? महाधिवेशन संपन्न हो गया, महाधिवेशन संपन्न हुआ और बहुत कुछ शुरू होगा आने वाले दिनों में, आपको दिखेगा, हमें कोई डर नहीं है। मार्च के साथ जो है, मार्च शुरुआत के साथ जो है तैयार हो रहा है, नई योजनाएं जो है तैयार, नया कार्यक्रम तैयार हो रहा है, वो खाका किस तरह से खींचा जाए? जो कार्यक्रम कांग्रेस अध्यक्ष हम सबको देंगे, कांग्रेस का एक एक सिपाही उस कार्यक्रम को पूरा करेगा, अपना पसीना बहाएगा, अपना खून बहाएगा और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने बहुत जोर देकर कहा कि तमाम जो विपक्षी दल है उसका नेतृत्व अगर कोई करेगी तो वो कांग्रेस पार्टी है, तो क्या एक राय बनाने की कोशिश हो रही है? और जैसा 2004 में आए थे आप, सतत प्रक्रिया होती है, ये प्रयास कई बार दिखते हैं कई बार नहीं दिखते, लेकिन प्रयास चल रहे होते हैं, चर्चाएँ चल रही होती हैं। सारे नेता जो बोल रहे थे, बड़े जोर देकर बोल रहे थे कि पीएम चेहरा राहुल गांधी, तो घोषित क्यों नहीं कर रही पार्टी? चर्चा होती है, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, निर्णय जब होता है तब ये चीज़ें घोषित की जाती हैं। हमसे बातचीत कर रहे थे पवन खेड़ा, फिलहाल जो है वो पीएम चेहरा को लेकर कुछ ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है जनता के बीच बहुत सख्त मैसेज लेकर के जा रही है और ख़ासतौर पर आरएसएस और भाजपा, इन दोनों की विचारधारा के खिलाफ लड़ने की बात करिए। कैमरामैन चोलाराम यादव के साथ वैभव पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रायपुर।